अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खीरे का शरबत जो कि बहुत ही ताज़गी भरा होता है, जो कि गर्मियों में बहुत ही राहत देता है। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, जैसे खीरा वेट लॉस करता है, बीपी सही करता है, डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका आप अपने घर वालों और आप मेहमानों को बनाकर इसको शरबत को पिलाएं, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा और सब आपकी तारीफ़ करेंगे। ये मैंने खीरे लिए हैं, 4 खीरे लिए। इसको ऊपर से हम काट लेंगे और इसका जो है कड़वापन ऊपर से निकाल देंगे इस तरीके से, फिर नीचे से भी काट लेंगे उसको और इधर से भी निकाल देंगे। अब इसको हम बीच से काट लेंगे, इसके पीसेस कर लेंगे छिलके के साथ ही, छिलका नहीं उतारना है इसका, छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इसके। इसी तरीके से हम सारे पीस कर लेंगे खीरे के। अब ये मैंने मिक्सर जार लिया है, अब इसमें हम जार डाल देंगे खीरा। और डाल देंगे एक अदरक का टुकड़ा और थोड़े से कुछ पुदीने के पत्ते और आधा टीस्पून काला नमक, वही शक्कर 100 ग्राम शक्कर, ये आप डाल सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे भी बिना शक्कर के भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसको हम जो है पीस लेंगे जार में। देखिए मैं पीस लिया है, अब इसको हम छान लेंगे छन्नी में। और चम्मच से चलाते रहेंगे इसको, ये देखिए वेस्टेज इसका निकल गया, इसको हटा देंगे भी। अब इसमें डालेंगे हम एक नींबू का रस, ग्लास में आइस हमने पहले से ही डाल के रखी हुई है। अब इसमें हम डाल देंगे खीरे का ये शरबत। और इसमें पुदीने के पत्ते से गार्निश कर देंगे इसको। ये हमारा शरबत तैयार है, ताजगी से भरपूर। अगर आपको हमारी इस शरबत की रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसा बना। थैंक यू।